तो चलो भाई, जैसे तुम जानते हो यार, पिछले रेस में ना अपना जो फ्रैंकलिन है वो रेस जीत चुका था और माइकल रेस हार गया था। माइकल भाई ऑलरेडी ही बहुत सारे कर्जे में डूबा हुआ था, उसका घर, गाड़ियां, बिजनेस सब कुछ बिक चुके थे, और जो उसने डॉन से लोन भी ले रखा था। हालांकि यार हमसे जो वो लास्ट रेस में जो $5 मिलियन हारा था, हमने उससे मांगे नहीं, और फ्रैंकलिन ने भी उसको कुछ पैसे दे दिए थे जिससे उसको गुजारा हो सके। बट भाई जिस डॉन से उसने पैसे ले रखे थे वो डॉन भाई उसके पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। इसीलिए अब ये जिमी आया हुआ है भाई रेस करने के लिए यहाँ पे, और आज की जो रेस है वो काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए आज की रेस में भाई पैसे भी काफी ज्यादा हैं, जो कि है 50 सुपरकार्स और $10 बिलियन। लेकिन प्राइस दोस्तों उनको तभी मिलेगा जब वो लोग इस रेस को 1 रन में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अगर दोस्तों एक बार भी वो लोग लाइफलाइन का यूज करते हैं तो ये प्राइज मनी आधी हो जाएगी, यानी कि 25 कार्स और $5 बिलियन। और इस रेस में पर प्लेयर के पास सिर्फ 2 ही लाइफलाइंस होंगी। एंड लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स कि इस रेस में जैसे मान लो कि जिमी खेल रहा है और उसने एक लाइफलाइन लूज कर दी, तो फिर स्टार्ट करेगा ट्रेवर। लेकिन इस ट्रेवर को देखो यार, ये साला एक नंबर का बेशरम आदमी है, जो नंगा ही आया हुआ है भाई यहाँ पे रेस खेलने के लिए। ये देखो साले ने शर्ट वर्ट कुछ भी नहीं पहना। अबे टकलू कुछ पहन के तो आ जाता। होए हो देखो कैसी अपनी खड्डी सी बॉडी दिखा रहा है ना। बॉडी है भाई बंदे की, लेकिन भाई कम से कम शर्ट तो पहन लेता है यार। पिछली बार तो इतने पैसे जीता था साला, पता नहीं कि उन पैसों का क्या कर दिया भाई इसने। तो चलो छोड़ो यार, अब करते हैं भाई रेस को शुरू। और क्योंकि यार भाई जिमी सफ़ेद भैंसा मोटू बच्चा है, इसीलिए चलो स्टार्ट भाई इसी से करते हैं। तो चलो बाइक्स अरेंज करवाते हैं इनके लिए, है ना जिमी मेरे सफ़ेद भैंसे, चल स्टार्ट कर। नंगू तू इसको देख जिमी को, जिमी ट्राई करना बेटा कि तू 1 रन में ही इस रेस को कंप्लीट कर ले। लेकिन मुझे नहीं लगता ओ कि भाई जिमी कंप्लीट कर पाएगा। अरे बाप रे, ठोक दी सारे ने। आखिरकार भाई आराम से इधर देख, लगता है मेरे ख्याल से डाउन है। ओ डाउन है, मुझे लगा था भाई यहाँ से जंप करना है, लेकिन ना डाउन है। क्या बात है भैया, जिमी का परफॉर्मेंस तो अब तक सही चल रहा है, देखते हैं। अबे सफेद भैंसे तेरी तारीफ। ओ क्या बात है भाई साहब, व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, तालियां हो जाए सफेद भैंसे के लिए। भाई मुझे लगा था भाई कि माइकल का बेटा है भाई, तो फिर कुछ वैसा ही घटिया सी परफॉर्मेंस देगा ये, बट ना यार इसकी परफॉर्मेंस तो क्या शानदार है। ओ हो, बेचारी फटी हुई टी शर्ट पहन के आया हुआ, कितनी गरीबी है यार देखो। ओए ओ क्या बात है। ओ भा अबे उठ जा अबे भाई, इस मोटे भैंसे के लिए ना, सफेद भैंसे के लिए भाई 1 लाख तो बनता है भाई। क्या बात है मेरे सफेद भैंसे, क्या परफॉर्मेंस दिया तूने, लगता है भाई तू 1 ही रन में कंप्लीट कर लेगा। अब कौन सी चूज करेगा तू, देख मॉडल तो सबके सेम ही है। पिंकी पिंक पैंथर चल ले भाई, ये तो रेड हो गया, ऑरेंज येलो हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर ओ ग्रीन भी हो गया। अबे मिसाइलें मत दाग, इस चीज के लिए नहीं रखा है तुझे, रेस खेलने आया तू। अबे तू क्या कर रहा है बे, क्या कर रहा है भाई। पहली बात तो तू टायरों के बीच से नहीं गया, ऊपर से मुझे नहीं लगता भाई कि ये इस पे लैंड कर पाएगा। भाई क्या बात है, थोड़ा थोड़ा सीधा कर, स्मूथ लैंडिंग करेगा भाई तू तो। भाई जिमी का क्या परफॉर्मेंस रहा है भाई, चल 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 बे। अबे चूतिए क्यों साले तू ऐसी हरकतें कर रहा है, अभी मैंने तेरी तारीफ की। शाबाश यार, मुझे तो लग रहा है भाई ये 1 रन में ही इस रेस को कंप्लीट कर लेगा। भाई कंप्लीट कर लेगा तो भाई सबसे बेस्ट बात रहेगी, क्योंकि भाई माइकल का हाल अभी बहुत ही ज्यादा बुरा है, और इस बेचारा ये जिमी उसके चक्कर में भाई देखो फटी हुई टी शर्ट पहन के बेचारा पिछवाड़े में देखो कैसे फटा हुआ है इसका टी शर्ट, वो पहन के घूम रहा है। तो चले, ओहो ये तो भाई चली नहीं रही, चल तू यहां से हेलीकॉप्टर से ही कंप्लीट कर ले भाई, ये फाइटर जेट तो चल नहीं रहा,
जो इस हेलीकॉप्टर से तू आया था ना उसी हेलीकॉप्टर से कंप्लीट कर ले जा। चल कोई नहीं, हमारे लिए भी भाई हमारी तरफ से भी कुछ थोड़ा सा फॉल्ट है, इसलिए हम तुझे ये छूट दे देते हैं, जा मजे कर। चल चल चल। अबे यार इसको तो टायरों के बीच में से निकाल लेता बे। आराम से बेटा आराम से। क्या लगता है गाइस कि ये कंप्लीट कर लेगा अपना मुटुआ? अबे आराम से बेटे आराम से आराम से। अबे नीचे लो 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 लो, साला गांडू कहीं का कितना अच्छा कर रहा था तो अब। अबे यार तू मिसाइल क्यों छोड़ रहा है भाई बात बात पे? भाई इस चीज की मिसाइल छोड़ने की रेस नहीं है। ओ भाई गया पानी में ये। ओ ये क्या कर दिया बे तूने भाई? तो चलो यार चूतिया साला मोटू भैंसे तूने ये क्या कर दिया बे? साला कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक बात बताऊं बे जिमी, साले इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना मुझ पे। अबे मुझ पे क्या, मुझे तुझ पे इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना बे मोटे भैंस। साले मुझे लगा था कि तू कर लेगा। हट हट, अब क्या फायदा। चलो भाई अब तो उस नंगू ड्राइवर की बारी है। तो चलो भाई अब बारी है अपने टकलू और नंगू इस ड्राइवर की। चल बेटे ड्राइवर। ड्राइवर भाई काफी कॉन्फिडेंस में लग रहा है अपना पिछवाड़ा उछालते हुए। शाबाश, क्या बात है भाई, परफॉर्मेंस इसकी सही चल रही है। वो यहाँ पे नहीं गिरा ये। भाई पिछला परफॉर्मेंस देख कर तो मुझे लगता है भाई कि जिमी भी ये रेस हार जाएगा, क्योंकि भाई ट्रेवर रेसेस के मामले में भाई बहुत सही है। क्या बात है, वो क्या तेरी तो, साला इतना तारीफ किया अभी बेइज्जती करवा दी। डीक फराबे खड़ा हो जा अब। कितना अच्छा भाई टर्न लिया था, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पता नहीं साले को क्या चूल चढ़ी, फालतू नीचे गिर। अबे फिर नीचे गिर गया तू। अबे तेरे भाई तूने कुछ नहीं पहना हुआ है, ऊपर से गिरता जा रहा है, क्या कर रहा है बे? चलो भाई फिर से इसको बाइक दिला दी हमने टकलू को। चल भी नंगू, क्या बात है, हौले हौले बेटे हौले हौले चल। अबे इतना भी मत कॉन्फिडेंस में, अभी अपनी डिग फुड़वा के हटाए तू। क्या बात है क्या बात है, परफॉर्मेंस तो भाई बड़ी सही है इसकी। वो भाई साहब, भाई वो जिमी यहां पे गिर गया था, लेकिन भाई इसको देखो यार, इसने भैया क्या परफॉर्मेंस दी है, बहुत सही मेरे टकले। लेकिन बेटा हार जा यार, बेचारे माइकल और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ बे भाई ये नहीं भैया, साले शक्ल देखो, शक्ल पे ही मनुष्यत छाई हुई है, ये नहीं हार मानने वाला। क्या हो गया बे तुझे भाई, ये हेलीकॉप्टर क्यों चूज कर रहा? क्या हो गया? मैं ये वाली हेलीकॉप्टर नहीं लूंगा, मुझे दूसरी चाहिए, ये खराब हो जाती है रास्ते में। अबे यार अब इसके अलग नाटक हैं, साले को दूसरा हेलीकॉप्टर दो अब। नहीं मेरे ख्याल से जिमी का भी खराब हो गया था ना, पता नहीं, लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं, इसको दूसरा हेलीकॉप्टर दे देते हैं। तो चलो भाई ट्रैवर के लिए हमने अरेंज करवा दी है द मोस्ट एडवांस्ड प्लेन, सॉरी प्लेन बोल रहा हूं मैं। ये क्या है भाई, ये सीधा वहीं पे जाना चाहता है, कह रहा है मैं उस चेक पॉइंट पे नहीं जाऊंगा। लेकिन चल यार क्या ही जाना है ना, वो फाइटर जेट्स तो खराब है, वो तो चल ही नहीं रहे। चल कोई बात नहीं, तो सीधा अगले चेक पॉइंट पे चल, चेक पॉइंट पे, जैकपॉट पे नहीं, चल चल। अबे यार ये साले का ना यही दिक्कत है, पिछली बार भी भाई जब हेलीकॉप्टर चलाने की बारी आई थी तब भी इसका ऐसे ही हो गया था, पता नहीं क्या बकचोदी मचा रहा था। क्या बात है भाई साहब,
यार तो देखो भाई, अपना नंगो और टकलो ने भाई बहुत ही ज्यादा सेफ लैंडिंग की है। वाह फुटबॉल, अबे फुटबॉल खेलने के लिए नहीं रखा है वे, अबे जाके रेस खेल, अबे साली गिर जाएगा। सारा फालतू में जाके फुटबॉल खेल रहा था। ओए हौले बेटा हौले, इतना कॉन्फिडेंस में नहीं आते। क्या कर रहा है ये? ओ भाई फुटबॉल्स गिरा रहा है ये, लगता है बेचारे को फुटबॉल्स बिल्कुल नहीं पसंद। टन 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 टन, चल 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 चल। हो गया, सारे भाई फुटबॉल्स गिरा दिए, अब चैन पड़ गई, अब चलेगा, अब रेस आगे कंटिन्यू करेगा। कौन सी बाइक लेगा जल्दी बता, हैं रेड बाइक ना भाई, तो मल्टी कलर है। हौले हौले बेटा हौले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। भूसड़ी वाला ट्रेवर साला हार गया। अब भाई फिर से जीने की बारी। साले क्या हो रहा है भाई, मैंने कहा था पहले ही। देखो भाई, अब अपना वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ये कलुआ, साले को गुस्सा चढ़ा हुआ है। नहीं कलुआ नहीं, ये नंगू भाई ट्रेवर, ये साला ये भी भाई हार चुका है। दोनों ने अपने अपने वन लाइफलाइन को यूज कर लिया है। अब देखते हैं भाई कि जिमी अपने लास्ट लाइफलाइन में इस रेस को कंप्लीट कर पाता है, या फिर वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है माइकल के लिए। तो चल मेरे बच्चे जिमी मोटे भैंस बेटा, अब तेरी बारी फिर से आ गए। और याद रखना बे गांडू कि ये लास्ट चांस है तेरी, अगर तो तू हारा ना तो भैया इस बार का मैं तुम लोग का कर्जा माफ नहीं करूंगा, और इस बार तुम लोग की भाई अच्छे से ठुकाई होने वाली है। रेडी है? काफी ज्यादा एनर्जी में लग रहा है भाई जिमी, इस बार लगता है कंप्लीट करेगा। चलो भाई मोटे भैंसे के लिए एक लाइक हो जाए, चल मोटे भैंसे रेस शुरू कर। तो चलो भाई माइकल का मोटका भैंस, माइकल का मुन्ना जिमी अपनी आखिरी लाइफलाइन को यूज करने चल पड़ा है। भोसड़ी का फिर यहीं पे आके सारा फिर इसने बाइक ठोक दी। अबे यार अब तो मुझे लग रहा है कि तू फिर से गिर के कहीं भाई माइकल की प्रॉब्लम्स ना बढ़ा दे। अबे क्या कर रहा है बे वो, समझदार है भाई, ऊपर जाने के बजाय सीधा डायरेक्ट इधर से ही आ गया, टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन थोड़ा आराम से चला ले यार, तेरे लक्षण नहीं लग रहा है कि तो भाई तू इस रेस को कंप्लीट कर पाएगा। मुझे लगता है फिर से ट्रेवर जीत जाएगा, और भैया माइकल अब भीख नहीं मांगेगा, अब मरवाएगा वो अब अपनी। क्या बात है, हौले हौले। क्या हो गया भाई तुझे, क्या हो गया? मुझे भी अलग प्लेन चाहिए। अरे यार तू इन लोगों ने यहाँ पे आके पता नहीं क्या ही फालतू हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, चल 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 मेरे जिमी बेटा, तू ही आखिरी होप है बेचारे माइकल की, वरना अबे कितना ऊंचा आ गया बे। हौले कर ले हौले। चलो भैया अपने मोटू भैंस ने भाई थोड़ी सी बेकार पर लैंडिंग यहाँ पर कर ली है, और नेक्स्ट बारी है भाई यहाँ से। क्या कर रहा है अबे, हौले बेटे हौले भाई। अब ये कलर वलर कुछ भी नहीं, सिर्फ सोच रहा है भाई कि मैं रेस कंप्लीट कर लूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, ये क्या कर रहा है बे, डायमंड उसकी भी रहती है फालतू में नीचे। चल भाई हौले हौले चल बेटा, क्योंकि ये तेरा लास्ट लाइफ लाइन है। हौले हौले बेटे हौले हौले ले हौले ले हौले ले, वरना माइकल को। चल भाई मोटू भैंसे, तू इस पे नहीं चल पाएगा। हाँ शाबाश। अबे हौले हौले ने गिर जाएगा बेटे। अबे आराम से, सारा जंप भी कहाँ मार रहा है। अबे आराम से बे, क्यों फालतू की हरकतें कर रहा है भाई इस बर्गर पे खड़े होके।
यार ये साला चूतिया है ये बंदा, ये हौले चल बेटा। अबे यार इस पे तो ये चल के पार हो जाए वही बहुत है भाई, इस पे बाइक कैसे चलाता है यार ये। चल 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 आजा 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 आजा। अबे क्यों फालतू की हरकतें कर रहा है बे भाई साहब। सही में यार बनाने वाले को भी अक्ल नहीं है क्या भाई, कितनी पतली डंडी है यार ये चल रहा है, उसके बाद थोड़ी सी भी जगह नहीं बच रही है, इसके ऊपर टायर्स कैसे चलते हैं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अबे अबे क्या इसको भी ना, ये साले को फालतू गिरी छाई हुई है। अब यहाँ से बाइक से तुझे कंप्लीट करना होगा। चलो भाई इसको बाइक हमने दे दी है, अब देखते हैं भाई क्या करता है ये। हौले से बेटे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यार वाकई में भाई। मैं तो सोच रहा था कि भाई कि $5 बिलियन और 25 सुपर कार्स में कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर रहा। अबे क्या कर रहा है अबे मोटे भाई, तो इस पे नहीं चला पाएगा बाइक से आराम से। अबे क्या कर रहा है भाई, बंदे में गट्स तो हैं भैया। वो क्या बात है भाई, भाई मेरे जिमी के लिए एक बार तालियां तो बनती हैं भाई साहब। मतलब कितनी पतली डंडी पे भाई दो बार, मतलब इस पे भी चला के ले आया ये। अब देखो भाई जिमी कह रहा है ना कि भैया उससे ना ये चीज पार नहीं होगी भाई बाइक से, इसीलिए उसने रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे इसको यहाँ से पार करने दो। हमारा भी दिल बहुत बड़ा यार, हमने तो करने दिया, लेकिन यहाँ से भाई तुझे बाइक से करना पड़ेगा, ज्यादा छूट नहीं मिलेगी, अदरवाइज मैं प्राइस मनी बहुत ही ज्यादा कम कर दूंगा तेरी परफॉर्मेंस। अब तक भाई हम खुश हैं मोटे भैंस, चल तेरे को बाइक देते हैं। चलो भाई इसको बाइक दे दिया, लेकिन हौले चला बे, बहुत कम जगह है यार इसको मोड़ना भी। ओ हौले 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 हौले, हौले 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 भाई साहब, कितनी हाइट पर कितनी पतली डंडी है यार भाई। मुझे लग रहा है कि मुझे ना अपनी प्राइस मनी को बढ़ा देना चाहिए, और मैं आई एम वेरी सीरियस यार। क्या बात है भाई मेरे जिमी की, क्या परफॉर्मेंस रही है भैया। भाई साहब हो, मुझे लगा था गिर जाएगा ये, बच गया बच गया बच गया बच गया। चल 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 चलो यार बेचारे ने बड़ी मुश्किल से पिछले डंडियों को पार कर लिया है, और अब आगे की बारी है जिमी का। परफॉर्मेंस भाई सही बता रहा हूँ, अब तक का सबसे बेस्ट रहा है मेरा सफेद भैंस। चल मेरे बेटे, अबे संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के, अब यहां से थोड़ा सही है तेरा। क्या बात है, चीजों को तोड़ता हुआ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अबे क्या कर रहा है बे भाई, ये भी गन चलाना जानता है भैया। अबे छोटे मोटे तेरे को ये सारी चीजें आती हैं भाई, आखिर है किसका बेटा भैया, गैंगस्टर दी माइकल, जो कि बेचारा आजकल हुआ पड़ा है गरीब। वो टन टन टन, यस क्या बात है भाई, लगता है जिमी ये रेस जीत जाएगा, और ट्रेवर की इस बार हार होने वाली है मुझे पक्का लग रहा है। और ट्रेवर जो कि पिछली बार अच्छे से जीता था, ढेर सारे पैसे कमाए थे उसने, और उसने भी काफी ज्यादा कार्स और बिजनेस खरीदे थे, वो पक्का हारने वाला है। अबे यार ये फालतू की छोड़ ना दे, चल रेस आगे कंटिन्यू कर, चल चल चल। अब आगे भाई बस एंड पॉइंट मेरे ख्याल से आने ही वाला है, चल 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 मेरे सफेद भैंसे। अबे साले इधर नहीं चलना है, उस नाले में से घुसा के निकालना है तुझे, चल जा चल जा चल। अभी तू व्हीकल पे बना हुआ है, अदरवाइज तो रेस से बाहर। भाई साहब देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा लहरें उठ रही हैं भाई ओशन में। चल 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 टे भैंसे, अरे सफेद भैंसे चल, और धीरे 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 इन ब्लेड से बच के बेटा, तेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। भाई लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट पॉइंट है भाई तेरा। चल ऑलरेडी यहाँ पे भाई, ये यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, खैर हमें ये करना। चल तू तू भाई तेरा लास्ट पॉइंट है, हौले 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 शाबाश, हौले 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 बेटे हौले, चल चल चल। अबे ये क्या किया बे तूने, साला लास्ट पॉइंट पे आके फिर गिर गया भाई, तू व्हीकल पे बना हुआ है इसीलिए।
वरना तो तू डिस्क्वालीफाई माना जाता। क्या बात है, अबे होले साला नीचे गिरने जा रहा था लास्ट पॉइंट पे आके। अबे आराम से उतरना, आराम से उतरना। शाबाश, क्या बात है भाई, ये देखो फाइनली भैया जिमी जीत गया। और ये देखो यार, ये रही भाई चमचमाती हुई ट्रॉफी जिमी के लिए। ये देखो इतना सारा गोल्ड, ये सारे डायमंड्स एंड ऊपर से $5 बिलियन और 25 सुपर कार्स भी। जिमी तू तो भाई लॉस सैंटोस का सबसे, अबे गोल्ड को लात मार रहा है सारे, ज्यादा चढ़ गई क्या तेरे, अबे क्या कर रहा है भाई। जिमी तो दुनिया का सबसे रिच बंदा बन गया यार, देखो कुछ भी कितना सारा गोल्ड है यार, मतलब 3 पूरे उसमें भर भर के गोल्ड है भाई। कम से कम 100 किलो से भी ज्यादा गोल्ड होगा भैया, ये पक्की बात है। क्या बात है जिमी, तूने तो भैया माइकल की सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दी भाई। मुझे लेकिन यकीन नहीं हुआ था, ये जिमी जिमी मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था भाई कि जिमी लास्ट लाइफलाइन पे भाई इतना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। क्या बात है जिमी भाई, जिमी के लिए एक लाइक जरूर करना यार। तो ये देखो यार भाई, जिमी भाई ने भाई बिल्कुल गेम ही पलट कर रख दिया है। जिमी ने मतलब क्या कमाल का काम किया यार, उस स्टंट रेस को जीतने के बाद उसको जितने भी वो गोल्ड कॉइंस डायमंड और भाई जो मैंने प्राइस दिए उससे भाई जिमी ने लॉस सैंटोस के ऑलमोस्ट मतलब भाई 50% से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज जिमी ने अपने नाम पे खरीद ली हैं। ये देखो दो लैम्बोर्गिनी सियान भाई, ये लिमोजिन एंड द मोस्ट आइकॉनिक, ये देखो भाई गोल्डन प्राइवेट जेट, ये सब जिमी ने खरीदा है भाई अपने पैसे से और वो भी उस रेस की मदद से भैया। और तो और उसने भाई माइकल को भी छुड़ा लिया है भाई। कार देखो यार कितनी शानदार है, दूसरी कहाँ गई, ओह दूसरे मेरे ख्याल से माइकल ले गया भाई मेरे। और माइकल को भी उसने छुड़ा लिया है, उसने घर भी खरीद लिया है। और भाई साहब क्या बताऊं यार, लॉस सैंटोस का अभी सबसे अमीर बंदा अगर कोई है तो वो है जिमी, जिमी जिमी भाई तुमने तो भैया नज़ारे ही बदल दिए भाई मेरे। चलो यार एक ड्राइव पे चलें तुम्हारे इस सुपरकार से, देखो यार एक सेकेंड यार, सुपरकार से क्यों, सुपरकार तो यार सब चलाते हैं भाई साहब, इसे देखो यार भाई गोल्डन प्राइवेट जेट। मैं तुम्हें इसे बाहर निकल के जाता हूँ, बाहर दिखवाता हूं मैं इसे तुम्हें, धूप में भाई क्या चमक मारेगी। वो भाई इसमें बूस्टर जेट्स भी लगे हुए हैं जो कि इसने खुद, ओ भाई साहब क्या शानदार लग रहा है यार। और भाई ये जो एयरक्राफ्ट वो देख रहे हो ना तुम, ये भी इसने खुद ही खरीदा हुआ है, मतलब जहां पे इसकी ये प्लेन्स और कार्स वगैरह सब पार्क हो रही हैं। इसके अलावा इसने माइकल के लिए भी लैम्बोर्गिनी सियान खरीदी और उसे भी लैम्बोर्गिनी सियान गिफ्ट की है। तो चलो भाई जिमी चला इंटरनेशनल ट्रिप पे मजे करने अपने गोल्डन प्राइवेट जेट में, तो चलो भाई इसे करने दो मजे। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड। जिमी ब्रो वी विल मीट यू सून। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तबाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए।